हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देख रहे थे। आइए इसमें हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स रुपीज 2200 एट 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रुपीज 2320 एट 8% इंटरेस्ट इन सेम पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड ऑफ टाइम इन ईयर्स इज। तो यहाँ पर क्या है, 2200 हो जा रहा है अमाउंट 5% पर एनम के रेट से, टाइम नहीं पता है, और उसी टाइम पे ये 2320 रुपीज हो जा रहा है 8% के इंटरेस्ट से पर एनम के। तो यहाँ पर देखिए, एक 5% पर एनम है, दूसरा 8% पर एनम है, यानी 3% का डिफरेंस है। ये 8% 3% ज़्यादा है, इसलिए इसका अमाउंट ज़्यादा हो गया, और इसका अमाउंट 5% पर एनम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये कितना हो गया, 2200। तो हम ऐसा करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें आपस में। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 120 रुपीज़ आएगा, और ये रेट में डिफरेंस कितना आएगा, 3% का आएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट अगर ये 3% जो है, ये किसके बराबर है, 120 रुपीस के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 40 रुपीस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि सबसे लोएस्ट वाली ये देखिए 2200 एट 5% पर एनम, हम इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये 2200 अमाउंट है, ये किसका किसका सम होगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई का होगा, और इसका एसआई कितना है, 5% पर एनम है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हमको 1% की वैल्यू 40 पर पता है, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो प्रिंसिपल इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई किसके बराबर होता है, अमाउंट के बराबर होता है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 2000। अब हमें प्रिंसिपल की वैल्यू पता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है 5% पर एनम, ये भी हमें पता है 200 रुपीस। तो इससे हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 5% पर एनम के अनुसार 200 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल, हमें 2000 हमने फाइंड आउट कर लिया है, मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% पर एनम। इससे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 ईयर्स आएगा। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। आइए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को कर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर सर्टेन टाइम इट अमाउंट्स रुपीज 350 एट 5% पर एनम एंड इट अमाउंट्स रुपीज 250 एट 3% पर एनम फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एट 3% पर एनम। ये दोबारा दोबारा रिपीट हो गया है। फाइंड द टाइम इन ईयर्स। तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है। सिमिलर चीज है, यहाँ पे रेट क्या है, 350 रुपया है 5% पर एनम के अनुसार, और 250 रुपया है 3% पर एनम के अनुसार सेम टाइम पीरियड पे। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितना आ जाएगा, 100 रुपीज आएगा, और रेट कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 2% आएगा। यानी ये 2% जो है, ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। यानी सिंपल इंटरेस्ट ये तो, ये यहाँ 2% जो है, ये रेट का जो 2% है वो 100 रुपीज़ के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका 1% बराबर हो जाएगा 50 रुपीज़ के बराबर। अब क्या है कि हम अमाउंट को देखें, ये 250 है 3% पर एनम के हिसाब से, तो ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, और 1% की वैल्यू है 50 रुपीस, तो 3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। ये 150 क्या हो जाएगा, ये 3% पर एनम के हिसाब से ये इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, अमाउंट के बराबर हो जाएगा, 250 के बराबर। यानी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आई, 250 माइनस 150, ये 100 रुपीस आ गई। तो हमें प्रिंसिपल 100 पता है, और सिंपल इंटरेस्ट 3% पर एनम के, ये सिंपल इंटरेस्ट 150 पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे
इससे हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। टी की वैल्यू क्या होगी, एस आई मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन पी इंटू आर। एस आई कितना है, 150 है, और मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना हमने निकाला, 100, तो 100। और आर की वैल्यू क्या है, 3% पर एनम है, मल्टीप्लाइड बाई 3% पर एनम। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 50 ईयर्स आएगा। तो इस प्रकार इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल डागो मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।